वेलकम बैक टू द न्यू एनालिसिस वीडियो। एंड आज की एनालिसिस में बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाली है। प्लस आई एम गोइंग टू शेयर टू थ्री स्टॉक्स फॉर टुमारो एंड वन स्विंग स्टॉक एज वेल जो आप अपने रडार पे रख सकते हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी आपको बताने वाला हूँ प्राइजेशन कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड। सो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना कंपल्सरी हो जाता है। स्किप स्किप करके मत देखना बिकॉज कॉन्सेप्ट बीच में मिस हो जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी एंड आपका लॉस भी हो सकता है अगर आप पूरा अच्छे तरीके से नहीं देखोगे। ओके सो कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट, सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं, बीच बीच में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे एंड लास्ट में हम लोग स्टॉक्स डिस्कस कर लेंगे। हमने कल के डिस्कस किया था मार्केट एक रेंज में रहेगी एंड मार्केट उसी रेंज में रही, लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके हैं तो हमें दोबारा से ड्रॉ करने की नीड नहीं है। आई होप सेम लेवल्स आपके चार्ट पे भी डिप्लॉय होंगे एंड प्लान बस देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस रेंज के पास है, दिस वॉज द रेजिस्टेंस एरिया एंड दिस वॉज द डिमांड एरिया। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जब भी रेंज में हो, साइडवेज मार्केट में हो, एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, बाय डिमांड सेल रेजिस्टेंस या तो सेल रेजिस्टेंस बाय डिमांड। मार्केट डिमांड पे आई एंड ऊपर चलेगी वापस से फॉलोइंग द ट्रेंड, अप ट्रेंड वाला पैटर्न, हायर हाईज एंड हायर लोज इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज वो कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज ऑफ चॉपिनेस। ओके मार्केट में गैप डाउन क्यों हुआ? ओके मार्केट में गैप डाउन इसलिए हुआ, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल सेंटिमेंट्स। ओके कभी कभार ऐसा होता है गुड न्यूज इज अ बैड न्यूज एंड बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज। मार्केट गैप डाउन तो खुलती है बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेंटिमेंट्स बैड न्यूज, बट दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस एंड प्रॉफिट बुकिंग से ऊपर आ जाती है बिकॉज एवरीवन बेरिश हो जाते हैं, सब लोग वहां पे बेरिश हो जाते हैं। मार्केट खुली, हम शॉर्ट करेंगे शॉर्ट करेंगे। कल तो ट्विटर पे भी सब लोग सोच रहे थे कि निफ्टी क्रैश हो जाएगा, मार्केट ब्लीड करेगी, 4% 5% गिरेगी। एक बंदा बोल रहा है मार्केट कल बहुत ज्यादा ब्लीड करने वाली है। तो जब एवरीवन, जब सब लोग बेरिश हो जाते हैं सो यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मामला बिगड़ सकता है। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, क्विक रिकवरी। सेम इन बैंक निफ्टी, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी एंड क्विक रिकवरी। सो दैट बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज फॉर अस। ओके सो दिस वन इज वेरी क्लियर कि हमारे पास कुछ सर्टेन लेवल्स हैं फॉर टुमारो, दैट इज 19,500 का रेजिस्टेंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एज पर द ओआई डेटा, मैक्सिमम कॉल राइटर्स है। हम लोग इसको प्रोटेक्ट करके चलेंगे बिकॉज यहाँ पे अपने पास कॉन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस भी है, दैट वाज अ डिमांड ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस एंड अगेन डिमांड, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। सो हम लोग कल ऑब्वियसली बाय तो नहीं करेंगे, अगर मार्केट यहीं पर ही खुला तो हम लोग बाय ऑब्वियसली नहीं करेंगे बाय, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं मिलेगा आप लोग को। सो हम लोग वहां पे सेलिंग ऑर्डर्स डाल सकते हैं इफ यू गेट अ कंफर्मेशन विद गुड रिवॉर्ड रेशियो। प्लान काफी ज्यादा सिंपल है, जैसे कल डिस्कस किया था मार्केट साइडवेज, मुझे नहीं लगता कि कल भी मार्केट ट्रेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, ब्रेकआउट हो जाएगी इस लेवल का, नीचे साइड ब्रेकआउट हो जाएगा। दैट इज वाई आप 19,400 के स्ट्रैडल को अगेन प्ले कर सकते हो एंड मार्केट में साइडवेज बने रह सकते हो। एक दिन मार्केट और साइडवेज हो जाए एंड एज सून एज वी गेट अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल 19,500, सो हमें ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, हम लोग उस वक्त डायरेक्शन प्ले कर लेंगे। सपोज टुमारो इफ फर्स्ट हाफ इज साइडवेज एंड यू सी अ ब्रेकआउट विथ डिक्रीजिंग कॉल ओआई, ओपन इंटरेस्ट चेक करना, सो हम लोग ये वाला ब्रेकआउट को डील कर सकते हैं, यहां तक हम लोग बाय का ट्रिगर कर सकते हैं। शॉर्ट कब जाएंगे? शॉर्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा अब डिले कर दो, व्हाई? बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में प्राइजेशन थोड़ा सा अलग हो चुका है। ओके लेट मी शो यू टाइम डेली टाइम फ्रेम का प्राइजेशन। यहाँ पे मार्केट दो बार गैप डाउन तो ओपन हुई है बट क्विक रिकवरी हो रही है, गैप डाउन ओपन हो रही है बट क्विक रिकवरी हो रही है एंड क्लोजिंग बहुत अच्छी हो रही है। इट मींस बायर्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं इस डिमांड जोन से जो हमने बनाया था, इसमें बायर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं एंड बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हो मार्केट में गैप डाउन तो हो रही है बट क्विक रिकवरी इज ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन फॉर बायर्स की। यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है, क्विक रिकवरी, क्लोजिंग ऊपर हो रही है, गैप डाउन हो रहा है, अगेन क्लोजिंग ऊपर हो रही है, विच मीन्स कहीं ना कहीं बायर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज वाई वी आर एक्सपेक्टिंग साइडवेज मार्केट, पुराने सेलर्स हैं नए बायर्स हैं, मार्केट कल साइडवेज हो सकता है। आई एम पर्सनली प्लेइंग साइडवेज, नॉट गोइंग एग्रेसिवली डायरेक्शनल बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मुझे अच्छा चाहिए, वो मुझे कल दिख नहीं रहा है। तो दैट इज फॉर निफ्टी, निफ्टी का प्लान। बैंक निफ्टी अगेन, बैंक निफ्टी में एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है एंड आज भी हमने उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में प्लस टेलीग्राम पे अपडेट्स दी थी, सो दैट आप भी उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सको एंड ट्रेड ले सको। बैंक निफ्टी में क्लियर ट्रेंड चल रहा है भाई, यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज तो बन रहे हैं, कल यहाँ पे ट्रेड लिया था एंड आज टारगेट कंप्लीट हुआ, लोअर लो बन गया, नया लोअर हाई की एक्सपेक्टेशन से मार्केट ऊपर तो गई। सो कैन वी पार्टिसिपेट इन दिस रैली? ऑब्वियसली यू कैन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। एंड अगर आपको स्ट्रक्चर पता है कि भाई नया लोअर लो बन गया, अब मार्केट ऊपर जा रही है नया लोअर हाई बनाने के लिए, तो आप वहां पे एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हो। जस्ट लाइक वी डिड इन द कम्युनिटी, वी ट्रेडेड दिस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एंड टारगेट कितना था? सेम 61.8% का फिबोनाची लेवल जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो इफ यू ड्रॉ लाइक दिस, ओके इस वाले लोअर हाई से
यहां से लेकर अगर आप इस वाले लोगों को कनेक्ट करोगे तो आपको एक लेवल मिलेगा, दैट इज 61.8% का दिस लेवल। एंड वही अपना टारगेट था, मार्केट ने आज इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, सेलर्स आए मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। ओके, बायर्स यहाँ से आ रहे थे, सेलर्स यहाँ से आ रहे थे, बट मार्केट साइडवेज हो गई आफ्टर 130। सो हमने यहाँ तक पूरा लॉन्ग का ट्रेड बनाया था। सो आई होप अगर आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में हो गए तो आपने भी वो ट्रेड कैप्चर किया होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम लॉन्ग क्यों गए थे, बिकॉज लोअर लो से लोअर हाई तक मार्केट जा रही थी एंड टारगेट हमने कैसे डिसाइड किया। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है, ऑब्वियसली दिस इज प्रेजेंट सप्लाई जोन, दैट इज 44,000। अगर ये टूटता है लेवल तो आई एम नॉट गोइंग टू गो एग्रेसिवली बाय, बिकॉज पुराने सेलर्स भी हैं, दे विल ट्राई टू पुट मार्केट डाउन एंड मार्केट कहीं ना कहीं फिर साइडवेज हो जाएगी। बट अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में यहीं पर ही मूवमेंट करती रहे, देन आई विल ट्राई टू बाय 44,000 की कॉल एंड मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं नहीं, मार्केट ऊपर जा सकती है। ओके, बट कब शॉर्ट करेंगे? शॉर्ट हम लोग इस वाले ब्रेकडाउन के बाद कर सकते हैं। बाय, बिकॉज आज काफी सारे बायर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो बायर्स काफी सारे एक्टिव हुए हैं इस वाले लेवल पे। मार्केट ऊपर गई, बायर्स अगेन, बायर्स अगेन, बायर्स। ओके, कैन यू सी दिस लॉन्ग मारुबुजु कैंडल्स? ये काफी सारे बायर्स यहाँ पे हैं, इस मीन इनका स्टॉप लॉस नीचे पेंडिंग पड़ा हुआ है। एंड अगर वो होल्ड करके गए हैं तो उनका स्टॉप लॉस नीचे है अभी भी। सो इफ आई सी एनी ब्रेकडाउन ऑफ दिस छोटा सा डिमांड जोन, आई कैन टेक अ क्विक स्कैल्प अंटिल दिस लेवल। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड फॉर यू गाइस। अगर आपको दिखता है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। वाई? बिकॉज छोटा सा आपको रैली मिल सकती है डाउन साइड की। प्लस अभी हम लोग जो प्लान बना रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है मार्केट कहाँ ओपन होने वाली है। सो जो कल मार्केट ओपन होगी, हम लोग दोबारा से टेलीग्राम पे लाइव मार्केट अपडेट्स देते रहेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। वाई? बिकॉज यूट्यूब पे हम लोग ओनली प्लान डिस्कस कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग मार्केट इमोशन, ड्यूरिंग मार्केट ट्रेड्स, ड्यूरिंग मार्केट प्राइस एक्शन हम लोग वहीं पर ही डिस्कस करेंगे इन डिस्कॉर्ड कम्युनिटी एंड टेलीग्राम चैनल। सो ट्रेंड इज वेरी क्लियर, आने वाले दिनों में थोड़ा सा ट्रेंड स्ट्रक्चर चेंज होता है दिख रहा है मुझे। मैं आने वाले दिनों में ही बताऊंगा, सो दैट हम लोग वहां पे एक डायरेक्शनल ट्रेड बनाए। अगेन मैं ज्यादा डायरेक्शनल कल भी नहीं हूँ, आई विल प्ले 44,000 का स्ट्रैडल, या तो लेट्स सी मार्केट ओपन का होती है, आई विल मेक न्यू प्लान जब मार्केट ओपन हो जाएगी, सो दैट आई कैन गिव यू इन टेलीग्राम चैनल, वो भी देख लेना आप। चलो लेट्स डिस्कस स्टॉक्स नाउ। स्टॉक्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड स्टॉक्स में काफी मूवमेंट हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट इज टीसीएस। टीसीएस अगर आप देखोगे, टीसीएस में हमारे पास एक अच्छा सा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम, सो काफी ब्यूटीफुल ट्रेंड पहले से चल रहा था। ओके, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ आपके लिए। सो दिस वॉज अ क्लियर ट्रेंड, वी हैव ये हाई लगाया था, अब ये लो लगाया है, अब वापस अपने हाई के पास जा रहा है। ओके, विच मीन्स हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। अब छोटा सा यहाँ पे भी देखोगे, सो मार्केट कहीं ना कहीं एक ट्रेंड में है, यहाँ पे भी हायर हाईज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बन रहा है। कैन यू सी दिस? राइट, सो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग कब जा सकते हैं? यू कैन सी वन मल्टीपल टाइम टेस्टेड सप्लाई जोन, 1, 2, 3, 4, दिस लेवल इज वीक नाउ। सो हम इस लेवल के बाद ट्राई करेंगे एंड टारगेट विल बी योर दिस लेवल, जो पहले रिजेक्शन आई थी जहां से। ओके, सो यू कैन टेक वन लॉन्ग ट्रेड आफ्टर दिस ब्रेकआउट, एंटर एज फॉर योर एंट्री सेटअप्स। सेकेंड वन इज हिंदुस्तान HUL, विच इज योर डेली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे सो यहाँ पे एक बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दिया इसने। ओके, एंड 21 EMA तक ये जा सकता है, विच मीन्स हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे। अब स्ट्रक्चर 15 मिनट में देखो, बिकॉज एंट्री वहां पे मिलेगी। So, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 आवर पे, सो यहाँ पे एक छोटा सा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। दिस वाज अ डिमांड, दिस वाज अ डिमांड, दिस वाज अ डिमांड, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, बट कमिंग बैक टू द सेम जोन, व्हिच मींस ऑल दोस सेलर्स जिन्होंने भी शॉर्ट किया था आर नाउ ट्रैप्ड। अगर वो ट्रैप्ड हो चुके हैं तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मार्केट को एक ऊपर जा सकती है। ओके, सो वही छोटे से मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हम लोग और 15 मिनट में चलते हैं एंड वहां पे देखते हैं कि ट्रेंड चल क्या रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो आपको एक 15 मिनट में ट्रेंड दिखेगा, दैट इज योर हायर हाइज एंड हाई लोस। क्लियर, हायर हाइज एंड हाई लोस। अब कल अगर हमें यहाँ पे कहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। इफ यू सी एनीथिंग नियर टू दिस डिमांड जोन, वी कैन प्ले वन लॉन्ग ट्रेड। ओके, सो दिस इज योर HUL एंड काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड लग रहा है मुझे। अगर आपको दिखता है तो आप लोग एंट्री पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली एंटर करना, बिकॉज 15 मिनट का ट्रेंड भी अपट्रेंड में है, आवली भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है लिक्विडिटी के लिए एंड डेली के हिसाब से भी 21 के पास जा सकता है। ओके, थर्ड वन इज लुपिन। लुपिन आपके पास काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, बिकॉज ऑल टाइम हाई ही है ये शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ऑल टाइम हाई नहीं है, बट आई थिंक बहुत पुराने रेजिस्टेंस ऊपर है, बट आस पास यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप दिख रहा है मुझे रिट्रेसमेंट के बाद। दिस वॉज इम्पल्सिव मूव,
दिस इज रिट्रेसमेंट एंड दिस इज कॉन्टिनेशन। सो ये इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे आप रीटेस्ट पे कहीं ना कहीं बाइंग ढूंढ सकते हो। इसको खुद एनालाइज करना छोटे टाइम फ्रेम में, दैट इज योर होमवर्क, एंड खुद एनालिसिस करके अपना प्राइवेशन डेवलप करना। वन स्टॉक दैट इज FACT, दिस इज फॉर स्विंग एंड सॉरी दिस इज नॉट द स्टॉक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द स्टॉक FSL, एंड ये भी आपका हेल्दी अप ट्रेंड में चल रहा है। इफ यू सी यहाँ पे प्राइजेशन समझो मेरे भाई, प्राइजेशन आपको कैसा दिख रहा है, 21 EMA नीचे है, विच मीन क्लियर शॉर्ट टर्म ट्रेंडेक्शन ऊपर की साइड है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइजेशन, इम्पल्सिव मूव, रीट्रेसमेंट, इम्पल्सिव मूव, रीट्रेसमेंट, इम्पल्सिव मूव, रीट्रेसमेंट, एंड नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन अबाउट टू कम, विच मीन हम लोग यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे डील कर सकते हैं, राइट। सो छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे आपको यहाँ पे दिखेगा एक मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल, सो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। ट्रेंड मैंने समझाया, एंट्री एज पर द एंट्री पैटर्न्स, इफ यू नो द एंट्री पैटर्न्स, इफ यू डोंट नो द एंट्री पैटर्न्स कॉमेंट बिलो so that I can make a proper detailed video about how to enter such breakouts so that aap false breakouts mein na faso. So this is all about Nifty, this is all about Bank Nifty, some stocks for tomorrow, 2 to 3 stocks, one stock for swing. Price action analysis kaisi lag rahi hai aap log mujhe comment section mein batana. I will see you in Discord community and I will see you in Telegram channel tomorrow morning so that hum log during market analysis karke market ko samajh ke trade bana sake live market mein. See you tomorrow.